Hello friends, I am Shreya from Offtrack Couple. Welcome you all once again. Thank you for logging into our channel. Today's video is all about Schengen Visa. We have divided the topic of Schengen Visa into three parts. The first chapter is about what are the documents required for Schengen Visa. The second chapter will be about how to submit all the documents. And the third chapter will be about how long does it take for the Schengen Visa to arrive. Okay? So most of the times people have questions regarding the Schengen Visa. Like वो कितने दिन में आएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मोस्टली ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इट बिकम्स क्वाइट हैसल फॉर यू ऑल टू अरेंज ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड देन सबमिट टू द VFS ग्लोबल. सो आई थॉट क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाए. हम लोग ने जब फर्स्ट टाइम शेंगेन कंट्री में ट्रैवल किया था तो हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था रिगार्डिंग दिस. तो इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकता है. सो हम लोग का इस टॉपिक शायद आपको अच्छा लगेगा और आप लोग के सारे डाउट्स भी शायद क्लियर हो जाएंगे इसको देखकर. आई विल बी गिविंग यू एवरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेंगेन वीज़ा. सो जस्ट हैव पेशेंस, सिट टाइट, रिलैक्स एंड नोट डाउन ऑल द रिक्वायरमेंट्स. आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियोज योर डाउट्स विल बी क्लियर. और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट. पहले ऑफ्ट्रैक कपल में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद हम लोग का ये वीडियो देखिए. इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस. ये बात हम लोग को भी बहुत मोटिवेट करेगा कि हम लोग आगे चल के आपके लिए और सारे ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाएं. सो अब टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स स्टार्ट. नाउ फर्स्टली लेट अस डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू अप्लाई फॉर शेंगेन वीज़ा. शेंगेन वीज़ा जो है फ्रेंड्स वो ज़्यादा टफ भी नहीं है लेकिन ज़्यादा इजी भी नहीं है. लेकिन आपको आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ध्यान से सोच समझकर एंड यू नीड टू सेल्फ चेक इट ट्वाइस और थ्राइस बिफोर सबमिटिंग इट टू द वीज़ा ऑफिस. सो नंबर वन पॉइंट जो है वो है यू नीड अ वैलिड पासपोर्ट. इट शुड हैव एटलीस्ट 6 months ऑफ वैलिडिटी और इसमें 4 pages ब्लैंक होना चाहिए. और अगर आपके पास ओल्ड पासपोर्ट है तो वो भी आपको सबमिट करना चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और उसमें 6 months का वैलिडिटी होना चाहिए और उसमें एटलीस्ट 4 pages पासपोर्ट के जो 4 pages होते हैं वो ब्लैंक होना चाहिए ताकि वो लोग भी स्टैम्प कर पाए. कई बार ऐसे होता है कि लोग अपने पासपोर्ट सबमिट कर देते हैं बिना देखे हुए कि उसमें पेजेस ब्लैंक है या नहीं, लेकिन फिर वहाँ पर जाने के बाद वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं. तो इसलिए आप लोग बिफोर सबमिटिंग देख लीजिएगा कि वहाँ पे एटलीस्ट 4 pages ब्लैंक है. और हाँ, अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट भी है वो भी आपको नए पासपोर्ट के साथ सबमिट करना पड़ेगा. तो ये हो गया नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट वो है आप लोगों को यू नीड 2 passport साइज़ फ़ोटोज़ और द साइज शुड बी विद इन 35 to 40 mm. नंबर थ्री पॉइंट इज वीसा एप्लीकेशन फॉर्म. अब ये बात ध्यान से सुनिए, जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से बारीकी से आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट इफ़ यू आर फिलिंग द फॉर्म थ्रू अ थर्ड पार्टी देन प्लीज़ आफ्टर थर्ड पार्टी फिनिशेज फिलिंग अप द फॉर्म यू नीड टू सेल्फ चेक इट ट्वाइस और थ्राइस. देन पर्सनल कवरिंग लेटर इज इन विच यू नीड टू समराइज द टोटल टूर प्लान and you should write your intro over there. It should be very precise, to the point, short and please don't make it lengthy. Jo covering letter hai wo ekdam to the point hona chahiye. Don't make it lengthy because un log ke paas utna time nahi hota hai. They will just see the main points and they will just make up their decision. Then the next point is if you have a business or sole proprietorship or partnership business then you need to write the cover letter in your business letterhead. अगर आपका खुद का बिजनेस है या फिर पार्टनरशिप बिजनेस है या फिर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है
देन आपको अपने बिजनेस के लेटर हेड में आपको वो कवरिंग लेटर लिखना पड़ेगा। नाउ ट्रैवल इंश्योरेंस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस सबको चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस शुड बी ऑफ एटलीस्ट 30K to 50K euros, मीन्स 30,000 to 50,000 euros उसमें कवर्ड होने चाहिए। कोविड कवरेज इज मैंडेटरी। इंश्योरेंस शुड बी वैलिड फ्रॉम द स्टार्टिंग डे ऑफ ट्रैवल टिल द एंड डे ऑफ योर जर्नी। सपोज आपका स्टार्टिंग डे ऑफ ट्रैवल सपोज 26th of August है और आपका एंड डे ऑफ ट्रैवल सपोज 5th of September है, तो आपका जो इंश्योरेंस होगा इट शुड कवर फ्रॉम द स्टार्टिंग डे दैट इज 26th एंड इट शुड एंड अप ऑन द डे ऑफ 5th। नेक्स्ट कम्स योर फ्लाइट रिजर्वेशंस। फ्लाइट रिजर्वेशंस आप लोगों को कन्फर्म फ्लाइट टिकट देना पड़ेगा। यू शुड हैव कन्फर्म फ्लाइट टिकट्स बिकॉज दिस इज मैंडेटरी एंड इट शुड बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म और रिटर्न टिकट्स शुड ऑल्सो बी कन्फर्म्ड। इंटरनल बस टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, वहाँ के जाने आने के जो टिकट्स हैं, अगर आप लोगों ने उसको भी बुक किया है, इफ़ यू हैव बुक द इंटरनल टिकट्स ऑल्सो देन ऑल्सो यू नीड टू अटैच दोस इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, सो प्लीज़ डोंट पुट एनी डमी रिजर्वेशन टिकट। यू नीड टू अटैच कम्प्लीट फ्लाइट रिजर्वेशन, कन्फर्म फ्लाइट रिजर्वेशन टिकट्स। नेक्स्ट इज योर प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। आप वहाँ पे कहाँ पे रह रहे हैं, योर स्टे, योर होटल रिजर्वेशंस, एवरीथिंग। इट शुड हैव अ यू शुड हैव अ कन्फर्म्ड होटल रिजर्वेशन अटैच्ड विद योर एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट इज योर प्रूफ ऑफ फिनेंशियल डॉक्यूमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। वट आर द प्रूफ ऑफ फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स यू नीड, बिकॉज इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है कि आपको शेंगेन वीसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, देन यू नीड टू सबमिट 6 months सैलरीज बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स। इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी, देन आपका जो लास्ट 6 months का सैलरी स्टेटमेंट है, यू नीड टू सबमिट दैट एंड द लास्ट 6 months पर्सनल बैंक स्टेटमेंट एंड लास्ट ईयर्स पर्सनल ITR फाइल फॉर द 2 assessment years। आपका जो आपका सैलरी जिस अकाउंट में जा रहा है, उस सैलरी का लास्ट 6 months का स्टेटमेंट चाहिए, प्लस आपका पर्सनल अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए एंड यू नीड योर ITR फाइल फॉर द लास्ट 2 assessment years एंड ऑल्सो यू नीड अ नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम योर कंपनी। उसमें लिखा होना चाहिए दैट योर कंपनी डजेंट हैव एनी प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग फॉर अ वेकेशन और यू आर गोइंग फॉर अ टूर इन दैट कंट्री एंड इट शुड ऑल्सो मैंशन द कम्प्लीट डेट ऑफ ट्रैवल। इट शुड ऑल्सो स्टेट द कम्प्लीट डेट ऑफ ट्रैवल। आप कहाँ कौन से डेट से कौन से डेट तक जा रहे हो, इट शुड बी रिटन इन योर NOC लेटर। ऑल्सो इट शुड मैंशन दैट यू विल कम बैक टू योर कंट्री एंड यू आर ज्वाइनिंग द कंपनी ऑन सच एंड सच डेट। एवरीथिंग शुड बी रिटन वेरी प्रिसाइजली। नाउ इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और अ कंपनी ओनर, यू नीड टू सबमिट योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पार्टनरशिप डीड और प्रूफ ऑफ प्रोप्राइटरशिप। सपोज आपका खुद का बिजनेस है या फिर आप अपने कंपनी का ओनर है या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस में हो, देन यू नीड टू सबमिट योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, योर GST सर्टिफिकेट एंड योर प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यू नीड टू ऑल्सो सबमिट योर ट्रेड लाइसेंस। आपको अपने ट्रेड लाइसेंस को भी सबमिट करना पड़ेगा एंड विद दैट लास्ट 6 months पर्सनल एंड बिजनेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट शुड ऑल्सो नीड टू बी सबमिटेड। इन दिस केस यू ऑल्सो नीड टू सबमिट 3 years ITR। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो इस केस में भी, या फिर आपका पार्टनरशिप बिजनेस हो या फिर खुद का बिजनेस हो या फिर आप अपने कंपनी के ओनर हो, उस केस में भी आपको 3 साल का ITR सबमिट करना पड़ेगा। नाउ इफ़ यू आर रिटायर्ड पर्सन, अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो तो आपका 6 months का पर्सनल का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इफ़ यू आर अ रिटायर्ड पर्सन देन यू नीड टू सबमिट योर 6 months पर्सनल बैंक स्टेटमेंट एंड ऑल्सो अ प्रूफ ऑफ रेगुलर इनकम जनरेटेड बाई द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस। लास्टली अगर आप स्टूडेंट हो, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और अनएम्प्लॉयड, अगर आप कोई काम नहीं करते हो, देन इन दिस केस यू नीड टू सबमिट योर 6 months बैंक स्टेटमेंट ऑफ योर पेरेंट्स और लीगल गार्जियन एज अ केस में भी। आपके जो लीगल गार्जियन है या फिर आपके पेरेंट्स के 6 months का बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू सबमिट द 3 years ITR एंड अ कन्फर्मेशन लेटर ऑफ द फिनेंशियल सपोर्ट एंड अ कॉपी ऑफ देयर पासपोर्ट। मीन्स
आपके मम्मी पापा के या फिर आपके लीगल गार्जियन के 3 years का ITR आपको सबमिट करना पड़ेगा, बिकॉज इट विल गिव अ कन्फर्मेशन लेटर ऑफ योर फिनेंशियल सपोर्ट एंड अ कॉपी ऑफ देयर पासपोर्ट. योर बैंक स्टेटमेंट शुड बी ड्यूली साइंड बाई द बैंक, लाइक एनी बैंक बैंक मैनेजर और एनी स्टाफ फ्रॉम द बैंक कैन साइन योर बैंक स्टेटमेंट. एंड योर ITR शुड ऑल्सो like comply with the bank statement. Your ITR and your bank statement should have similarities with each other. Aisa nahi ki aapka ITR kuch aur bata raha hai and your bank account shows something else. Suppose you are holding like in your ITR 8 to 9 lakhs of rupees, but like in your ITR you are showing 8 to 9 lakhs and your bank account has 20 to 30 lakhs of rupees, then there is like a dissimilarity. Toh is case mein bhi reject ho jata hai. Toh us baat ko thoda dhyan dena padega. We had applied for Swiss visa, like me and my husband, we both were traveling to the Schengen countries and we had applied for Swiss visa. We had showed individually approximately 3 lakhs in our accounts. If you are traveling solo, agar aap akele travel kar rahe hai, toh fir 2 se 3 lakh ya fir usse bhi agar thoda kam, jaise 1.5 se 3 lakh bhi agar dikha de, then it is I think sufficient. Bahut zyada hi hai. Rarely in some of the cases, कुछ cases में ऐसा होता है कि आदमी के पास 1 lakh या फिर 2 lakh जैसा bank account में है, फिर भी उनको visa मिल जाता है. तो वो कब होता है, वो उसी time पर हो सकता है कि like when the travel history of the person is stronger. अगर आपने बहुत ज़्यादा countries travel किया हो, अगर आपके passport में वो लोग देखेंगे कि नहीं ये आदमी बहुत travel किया है तो इसको हम लोग visa दे सकते हैं. अगर आपका bank statement कुछ लाइक कम अमाउंट दिखा रहा है तो उस केस में कभी कभी वो लोग वीज़ा दे देता है, बट नॉट इन ऑल द केसेस. बट आई पर्सनली डोंट सपोर्ट दैट. सो फ्रेंड्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू सबमिट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 2. इन चैप्टर 2 वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू सबमिट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स इन द वीज़ा ऑफिस. सो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस नाउ that how to submit all these documents at the visa office. So in our time, what we had done, so let us discuss that. We had taken an appointment through online from the VFS site. On the appointment date, we reached the visa office 30 minutes earlier, which was mentioned at the site. So after reaching the visa office, we were given a token. And one thing guys, remember that please do not carry any extra item with you. Supposing you are carrying a bag in which you have electronic items, or you have a water bottle, or you are carrying a biscuit or eatables or any kind of stuff, please do not carry all those things into the visa office, because they won't allow you with all those things to enter over there. If you are carrying, then you need to rent a locker, and for that you need to pay at least 100 to 200 rupees. In my opinion, I think that it's just a waste of money. Why will you pay for that extra stuff? So it's better you just carry a file in which you will be having all your documents, just your mobile phone and a purse and nothing else. In some cases people need to carry something, like if you all are having, like if you have a bag or something, or you need to carry some item with you, then you need to rent a locker, and for that you need to pay some amount. After entering inside, a token number will be given to you and you need to wait for some time. After a few minutes, your name will be called, and then you need to enter to your prescribed counter, and then the person who will be there at the opposite, he will be asking, or she will be asking for you all the documents, and then one by one you need to present all your documents over there, and then serially that person will arrange everything for you. You just need to present all the documents as per they say, and then that person will arrange all the documents serially, and then they will put all those things in a bag, and they will just tell you, they will give you a no. Before that, you need to pay the visa amount to that person, and then that person will give you a receipt. Then you need to wait for some time, like for 15 to 20 minutes. Then again you will be called for your biometric session, and after your biometric session, then the person will tell you to leave. So this was all about what you need to do inside the visa office. What are the requirements? Nothing. You just need to enter the visa office. Just I told you, just carry a file. Don't carry extra item. Then it will be a hassle for you, because you need to pay again for that. You need to rent a locker, etc., etc. So just enter the visa office. You will be getting a token
phone number, then your name will be called. Then you need to present all the documents over there. They will arrange everything for you. You need to do nothing. Just give all the documents. They will do everything for you. And then after a few moments, you will be called again for your biometric session. And after your biometric session, they will just tell you to leave. And remember, friends, please keep that credit note with that receipt note with you that you have given against of your fees. Please keep that safely till your visa arrives at your residence. Okay, so after that you can leave, you can go back. And one more thing, our total visa fees was around 8,000 to 9,000 per person. So this was all the proceedings that you need to do inside the visa office. So I hope it's clear to you all. Now in the next chapter, we will be discussing about the arrival of visa. Now it's the time for the arrival of the visa. It takes nearly around 10 to 15 days for the Schengen visa to arrive, but in some cases it can arrive early, or it can take much more than that also. But in our case, it took only 4 to 5 days, and you will be getting a message that your passports have been dispatched. So after that, after you receive the message, within 1 or 2 days your passport will reach at your residence or the place of or the address that you have given. So in our time, in our case, we have given the address of our residence, so there are passports, so our passports had arrived at our residence only. So at first we were quite nervous, like what will happen, because this was our first time that we were applying for Schengen visa. We were very nervous, but after seeing our passports, we were totally relieved. Finally, our visa application was accepted. We were having a sigh of relief. We were very happy, and the validity of Schengen visa that was given for 30 days. So guys, this was all about the Schengen visa. And one more thing I want to tell you guys, that nowadays it's taking quite a long time for the Schengen visa to arrive, because you all know that previously, because of COVID, countries were all shut down, so people were not traveling, and tourist visa was also completely shut down. So like now one by one the countries are opening, people are also getting their visas. So because of huge rush and huge crowd, it's taking quite a long time. It sometimes is taking more than a month also. So before applying, please go through their site once. Okay, and guys, this was all about it. Nothing much more to say. And if you like our videos, please let us know. If you have any suggestions, any queries related to this video, if you want to know anything, or if you haven't understood anything about this video, then please let us know in the comment section below. We would love to have your suggestions. So that's it. Please subscribe our channel Offtrack Couple. We will be coming with many more interesting videos. Please like, subscribe our channel. Till then, take care, lots of love. Bye bye.